नमस्कार, न्यूज ट्रेड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत बरमान पहुंचे। बरमान से होते हुए जाएंगे वो अब जबलपुर। बरमान में नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और उत्तमजी महाराज से मुलाकात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो जबलपुर में केशव कुटी में करेंगे रात्रि विश्राम। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में वो वहां पर जाएंगे और पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो जबलपुर पहुंचेंगे। तो ऐसे में सारी तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर तैयार हो चुकी है। उत्तम जी महाराज से मुलाकात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और अभी आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बरमान पहुंच चुके हैं। बरमान से होते हुए वो जबलपुर जाएंगे। जबलपुर में उनके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस पूरी तरीके से फॉलो की जाए इसका भी ध्यान रखा गया है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा आज काफी ज्यादा खास होने वाला है और ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत बरमान अब पहुंच चुके हैं। बरमान से होते हुए वो जबलपुर जाएंगे जहां पर बरमान में नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और वहीं पर उत्तम जी महाराज से मुलाकात करते हुए वो नजर आएंगे। ऐसे में जबलपुर बरमान के बाद अब जबलपुर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और जबलपुर में केशव कुटी में रात्रि काटेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बरमान के बाद जबलपुर जाएंगे, क्या पूरा कार्यक्रम आज उनका होने वाला है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये